हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के अपने चैनल पर। दोस्तों अभी की जो सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर चीन के अवैध कब्जे पर फिलीपींस ने खोया अपना अपार गाली देकर और चाइना को दे डाली है बड़ी गाली। जी हां दोस्तों, बताएंगे क्या कहा है चाइना को फिलीपींस ने, आप भी सुनकर हैरान रह जाएंगे। जी हां दोस्तों, साथ ही अगली खबर में बताएंगे जहां कोरोना से लड़ रहे भारत को 1000 वेंटिलेटर भेजेगा ब्रिटेन। जी हां दोस्तों, बड़ी खबर है ये, 4 मई को होने वाली है इसकी, यानी पीएम मोदी और बोरिस जॉनसन की वर्चुअल मीटिंग, ये भी खबर बताएंगे दोस्तों। और क्या क्या हो सकती है इनसे जुड़ी बातें साथ ही बताएंगे। जहां पर खुद को खतरा बताए जाने से नाराज हुआ नॉर्थ कोरिया, जिसके बाद अमेरिका को दे डाली है बड़ी धमकी। जी हाँ दोस्तों, क्या क्या कहा गया है अमेरिका को नॉर्थ कोरिया की तरफ से, ये भी बताएंगे दोस्तों। साथ ही बताएंगे आपको, जहां पर भारत ने चीन के खिलाफ खर विदेश नीति अपनाई है दोस्तों, अमेरिकी एजेंसी ने बड़ी बात कह दी है इसको लेकर, बताएंगे ये भी खबर। साथ ही पाकिस्तानी नेता ने इमरान खान को घेर लिया है दोस्तों, क्या है मुद्दा वो भी बताएंगे आपको। साथ ही बताएंगे जहां पर पश्चिम बंगाल में नहीं थम रही है हिंसा, जी हां दोस्तों, जिसके बाद गृह मंत्रालय ने ममता सरकार से मांगी है रिपोर्ट। जी हां दोस्तों, क्या है पूरी खबर ये भी बताएंगे आपको। साथ ही इस कोरोना काल में योगी आदित्यनाथ ने दे दिया है अपने राज्य के लोगों को बड़ी सौगात, बताएंगे क्या है वो खबर। तो जानने के लिए बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप भी हमेशा की तरह मानते हैं कि मोदी जी हैं तभी सब कुछ संभव है और भारतीय सेना है तो हमारा देश गर्व से जी रहा है दोस्तों, तो फटाफट से इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हां दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां पर चीन के अवैध कब्जे पर फिलीपींस ने खोया अपना आपा, गाली देकर बोला तुरंत खाली करो द्वीप। जी हाँ दोस्तों, दक्षिण चीन सागर में द्वीप पर अवैध कब्जे को लेकर चीन और फिलीपींस के बीच विवाद लगातार गंभीर होता जा रहा है दोस्तों। अब फिलीपींस के विदेश मंत्री टेडी लेक्सविन जूनियर ने ट्विटर पर राजनयिक शिष्टाचार को भूलते हुए सीधे चीन को गाली दे डाली है दोस्तों। उन्होंने चीन पर दोस्ती न निभाने का आरोप लगाते हुए कहा है कि चीन को तुरंत द्वीप को छोड़कर वापस लौट जाना चाहिए। कुछ दिन पहले ही फिलीपींस के राष्ट्रपति रोड्रिगो दुतेरते ने कहा था कि चीन के साथ युद्ध के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। जी हां दोस्तों, फिलीपींस के विदेश मंत्रालय ने शनिवार को चीन के सामने अनुरोध किया था कि हमारे द्वीप पर कब्जा जमाए चीनी कोस्ट गार्ड के शिप फिलीपींस के जहाजों को परेशान कर रहे हैं। इससे पहले भी फिलीपींस ने कम से कम दर्जनों बार चीन के समक्ष इस द्वीप पर अवैध कब्जे को लेकर शिकायत की है, लेकिन हर बार की तरह चीन ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया दोस्तों। चीनी विदेश मंत्रालय ने तो फिलीपींस के द्वीप को अपने देश का हिस्सा करार दिया है। जी हां दोस्तों, ऐसे में चीन पर भड़क उठे फिलीपींस के विदेश मंत्री और दे डाली ऐसी गाली की जो हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बता भी नहीं सकते दोस्तों। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार की गाली दी होगी। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि चाइना है ही लात और गाली खाने लायक, तो कमेंट सेक्शन में गाली के ही लायक है चाइना जरूर लिखेगा दोस्तों। देखते हैं कितने भाई और बहनें एग्री करती हैं इन बातों से। चलते हैं दोस्तों दूसरी खबर की तरफ, जहां कोरोना से लड़ रहे भारत को 1000 वेंटिलेटर भेजेगा ब्रिटेन। 4 मई को होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और बोरिस जॉनसन की वर्चुअल मीटिंग। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 4 मई को यूके के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के साथ एक वर्चुअल मीटिंग करने जा रहे हैं। आपको बता दें कि इस मीटिंग से पहले यूके भारत को 1000 वेंटिलेटर भेजने की तैयारी में है। इस मीटिंग के जरिए दोनों देशों के बीच के रिश्तों को मजबूत और द्विपक्षीय सहयोग को गहरा करेंगे। इस समिट में दोनों नेता रोड मैप 2030 को लॉन्च करने वाले हैं दोस्तों। ब्रिटेन सरकार ने वार्ता के अनुसूची की पुष्टि करते हुए कहा है कि ब्रिटेन के अधिशेष आपूर्ति से 1000 और वेंटिलेटर भेजे जाएंगे, जो कोरोना महामारी से जूझ रहे भारत की मदद करने के लिए होंगे दोस्तों। अस्पतालों को कोविड मामलों से लड़ने के लिए मदद भेजी जाएगी। पिछले महीने जिस राहत पैकेज की घोषणा हुई थी, उसके तहत अन्य 200 वेंटिलेटर, 495 ऑक्सीजन सांद्रता और 3 ऑक्सीजन उत्पादन इकाइयों की मदद शामिल है। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर मानी जा रही है ये भी। चलते अगली बड़ी खबर की तरफ, जहाँ खुद को खतरा बताए जाने से नाराज हुआ
नॉर्थ कोरिया दे डाला अमेरिका को बड़ी धमकी। बता दे दोस्तों, दुनिया के लिए सिर दर्द बने उत्तर कोरिया ने अमेरिका को एक बार फिर धमकी दे डाली है। दोस्तों उत्तर कोरिया ने कहा है कि अमेरिका को आने वाले वक्त में बहुत गंभीर स्थिति का सामना करना पड़ेगा और कारण होगा खुद अमेरिका। जी हाँ दोस्तों, बताते बड़ी बात कह दी है नॉर्थ कोरिया ने। दरअसल आपको बताते चले कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पिछले सप्ताह संसद में अपना पहला संबोधन दिया था। इस संबोधन में उन्होंने उत्तर कोरिया और ईरान के परमाणु कार्यक्रमों को अमेरिकी और विश्व की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बताया था। जो बाइडेन ने कहा था कि अपने सहयोगियों के साथ मिलकर अमेरिका कूटनीतिक और अन्य कड़े कदम उठाकर इन समस्याओं से निपटेगा। जो बाइडेन के इस बयान पर उत्तर कोरिया के विदेश मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी क्वान जोंग उन ने रविवार को कड़ी प्रतिक्रिया दी है। दोस्तों अपने एक बयान में क्वान जोंग उन ने कहा कि उनका यानी जो बाइडेन का ये बयान स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि उत्तर कोरिया को लेकर शत्रुतापूर्ण नीति कायम रखना चाहते हैं, जैसा कि आधी सदी से अधिक समय से अमेरिका करता आया है। जी हाँ दोस्तों, क्वान ने आगे कहा कि ये तय है कि अमेरिकी मुख्य कार्यकारी ने मौजूदा परिदृश्य में भूल की है। उन्होंने कहा कि अमेरिका की उत्तर कोरिया के प्रति नीति अब स्पष्ट हो चुकी है, अब हम भी उसी के अनुरूप कार्यवाही करेंगे। समय के साथ अमेरिका को पता चलेगा कि वो कितने गंभीर स्थिति में है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में साफ आप समझ पा रहे होंगे कि कितनी बड़ी चेतावनी नॉर्थ कोरिया की तरफ से अमेरिका को दिया गया है। दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि अमेरिका को भी ना झुकते हुए नॉर्थ कोरिया को जवाब देना चाहिए तो आप भी कमेंट सेक्शन में ये बात जरूर लिखकर बताइएगा। दोस्तों और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। चलते अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां पर भारत ने चीन के खिलाफ मुखर विदेश नीति अपनाई है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा किसी और ने नहीं बल्कि अमेरिकी एजेंसी ने ये बात कह दी। आपको बता दे दोस्तों, एक शीर्ष अमेरिकी खुफिया एजेंसी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2020 में भारत ने एक मुखर विदेश नीति अपनाई है। इसका मकसद रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हिंद महासागर क्षेत्र में सुरक्षा को लेकर देश की ताकत और इसकी धारणा को प्रदर्शित करना है। जी हाँ दोस्तों, अमेरिकी एजेंसी की इस वक्तव्य को आप समर्थन करते हैं दोस्तों या नहीं करते, कमेंट में अपनी राय अवश्य दीजिएगा। अगली खबर की बात करें तो पाकिस्तानी नेता ने इमरान खान को घेरा है। दोस्तों बोला, हार के डर से पीटीआई चाहती है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग से चुनाव। बता दे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज यानी पीएमएलएन के महासचिव असहन इकबाल ने प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी पर कटाक्ष किया है। दोस्तों उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी पीटीआई इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग शुरू करना चाहती है क्योंकि उसे बार बार चुनाव में हार का सामना करना पड़ा है। एक जियो न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार इकबाल ने कहा है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सत्ताधारी पीटीआई द्वारा अभी तक एक और ड्रामा था जिसका चुनाव सत्ताधारी पीटीआई ने किया था। दोस्तों इकबाल ने कहा कि पीटीआई ने पिछले 3 वर्षों में चुनावी सुधारों को शुरू करने के बारे में नहीं सोचा था, लेकिन उपचुनाव में हार का सामना करने के बाद अचानक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का विचार सामने आया। उन्होंने कहा कि कराची उपचुनाव ने साबित कर दिया है कि पीएमएलएन सिंध में एकमात्र सफल पार्टी है। कराची के लोग पीएमएलएन के साथ खड़े हैं। प्रधानमंत्री इमरान खान को घेरते हुए विपक्षी नेता ने कहा है कि इमरान खान विधानसभा को भंग करने की हिम्मत नहीं रख सकते, ये कहते हुए कि ऐसा लग रहा था कि वो सरकार चलाने के बजाय पिकनिक का आनंद ले रहे थे। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें ऐसे में तो चाइना को एक और बड़ा झटका। जी हाँ दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के बाद अन्य देश भी हट सकते हैं चीनी प्रोजेक्ट BRI से। बता दें ऑस्ट्रेलिया के साथ कई अन्य देश भी इस परियोजना के अलग हो सकते हैं। दोस्तों दरअसल परियोजनाओं के नाम पर सैन्य मौजूदगी बढ़ाने व कई मनमानी शर्तें थोपने के कारण इससे जुड़े अधिकतर देश अब खुद को फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलियाई पीएम स्कॉट मॉरिसन ने चीन के BRI समझौते को रद्द कर दिया था। विदेश मंत्री मैरी स्पेन ने कहा है कि समझौता कॉमनवेल्थ कानूनों के तहत बने फॉरेन वीटो प्रावधान का उपयोग करते हुए रद्द किया गया है। इसके अलावा चीन ने अफ्रीका के देश जिबूती में चल रही परियोजना में सुरक्षा के नाम पर सेना तैनात की थी। अगली खबर की बात करें तो कोरोना के चलते इजराइल ने अपने नागरिकों पर लगाई भारत
सहित और अन्य 6 देशों में जाने पर रोक। आपको बता दें दोस्तों, कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों का हवाला देते हुए इसराइल ने अपने नागरिकों को भारत और अन्य 6 देशों में जाने से रोक लगा दी है। शुक्रवार को इसराइल के प्रधानमंत्री कार्यालय और स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से संयुक्त प्रेस रिलीज जारी कर दी गई है, जिसमें कहा गया है कि इसराइल के नागरिकों को यूक्रेन, ब्राजील, इथियोपिया, साउथ अफ्रीका, इंडिया, मेक्सिको और तुर्की जाने पर मनाही है। ये आदेश 3 मई से लागू होगा और 16 मई तक जारी रहेगा। ऐसे में दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भारत के हित में अन्य सभी देशों से आने वाले नागरिकों पर, जो कि विदेशी नागरिक होंगे ना कि भारतीय, उन पर रोक लगा देनी चाहिए दोस्तों, तो आप भी कमेंट सेक्शन में ये बात जरूर लिखिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। दोस्तों, एक और खबर की बात करें तो एक तरफ कर रहा मदद की पेशकश तो दूसरी ओर उड़ा रहा है भारत का मजाक। आखिर कब सुधरेगा चाइना? जी हाँ दोस्तों, कोरोना वायरस की दूसरी लहर की वजह से पूरा देश बेहाल है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया समेत कई देश जरूरी मेडिकल सप्लाई भेजकर संकट की इस घड़ी में देश की मदद कर रहे हैं, तो वहीं चीन लगातार शर्मनाक हरकतें कर रहा है। दोस्तों, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी यानी CPC की एक ताकतवर विंग ने हाल में सोशल मीडिया पर एक ऐसी पोस्ट शेयर की है दोस्तों, जिसके बाद चीन की हर तरफ थूथू होने लगी है। दरअसल CPC की कमीशन फॉर पॉलिटिकल एंड लीगल अफेयर्स यानी CPLA विंग ने लोकल सोशल मीडिया साइट वीवो पर 2 तस्वीरें शेयर किया, जिसमें एक में चीन को रॉकेट लॉन्च करते हुए दिखाया गया है तो दूसरे में भारत में कोरोना से हुई मौतों के बाद जलती चिता को दिखाया गया है। दोस्तों, सोशल मीडिया पर इस तरह की पोस्ट के बाद चीन के द्वारा दी गई मदद की पेशकश की गंभीरता पर भी सवाल उठने लगे हैं। ऐसे में दोस्तों, आपकी क्या राय होगी इस खबर को लेकर? जिस प्रकार से एक तरफ चाइना भारत की मदद करने की पेशकश कर रहा है दोस्तों, और दूसरी तरफ भारत का ही मजाक उड़ा रहा है, ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि सब देशों से मदद ले सकते हैं लेकिन चाइना और पाकिस्तान से भारत को नहीं लेनी चाहिए मदद, तो आप भी कमेंट सेक्शन में ये बात भारी मात्रा में लिखिएगा। दोस्तों, आपकी बात केंद्र सरकार तक पहुंचाई जाएगी दोस्तों, तो कमेंट में ये बात जरूर लिख दीजिएगा। दोस्तों, एक और खबर की बात करें तो भारत में ऑक्सीजन की कमी को देखते हुए कारोबारी विनोद खोसला मदद के लिए सामने आए दोस्तों, जिन्होंने 1 करोड़ अमेरिकी डॉलर देने का वादा कर दिया। बता दें, भारतीय अमेरिकी अरबपति व्यवसायी विनोद खोसला ने भारत में अस्पतालों में चिकित्सा ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए 1 करोड़ अमेरिकी डॉलर देने का वादा किया है। भारत में COVID-19 के मामलों में लगातार वृद्धि के मद्देनजर सन माइक्रो सिस्टम्स के सह संस्थापक खोसला भारतीय अस्पतालों में ऑक्सीजन आपूर्ति के लिए लगातार मदद कर रही है। जी हाँ दोस्तों, रविवार को ट्विटर पर घोषणा करते हुए उन्होंने कहा है कि लोगों की जिंदगियों को बचाने की आवश्यकता थी क्योंकि बहुत देरी करने से ज्यादा लोगों की मौतें हो रही हैं। उन्होंने लिखा कि @GiveIndia के लिए यह पर्याप्त नहीं है, उन्हें हर दिन भारत भर के गैर लाभकारी एवं अस्पतालों से 20,000 ऑक्सीजन सांद्रक, 15,000 सिलेंडर, 500 ICU बिस्तर, 100 वेंटिलेटर, 10,000 बिस्तर के कोविड सेंटर के लिए अनुरोध मिल रहा है, इसमें हमें तत्काल बहुत कुछ करने की जरूरत है। ऐसे में दोस्तों, उन्होंने भारत को 1 करोड़ अमेरिकी डॉलर देने का वादा कर दिया है। दोस्तों, ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि इस तरह के लोगों का इस संकट की घड़ी में भारत के लिए खड़ा होना बेहद जरूरी, तो आप भी कमेंट सेक्शन में थैंक यू विनोद खोसला जी जरूर लिखिएगा। दोस्तों, एक और खबर की बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप के फेसबुक अकाउंट से प्रतिबंध हटाएंगे जुकरबर्ग, बुधवार को होगा इसको लेकर बड़ा फैसला। बता दे दोस्तों, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फेसबुक अकाउंट से प्रतिबंध हटाने को लेकर बुधवार को बड़ा ऐलान हो सकता है। जनवरी की शुरुआत में अमेरिकी संसद यानी US कैपिटल पर हमले के बाद फेसबुक ने डोनाल्ड ट्रंप के अकाउंट को सस्पेंड कर दिया था। आप सभी जानते होंगे, अगर उनका अकाउंट फिर से रिस्टोर किया जाता है तो 4 महीने बाद डोनाल्ड ट्रंप पहली बार किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फिर से दिखाई देंगे। फेसबुक का ओवरसाइट बोर्ड 1 अप्रैल के मध्य में अपने फैसले की घोषणा करने वाला था। अब सोमवार को बताया गया है कि बोर्ड डोनाल्ड ट्रंप के अकाउंट को लेकर बुधवार
सोमवार को फैसला सुना सकता है। दरअसल फेसबुक पर अपने फैसले को बदलने को लेकर भारी दबाव है। अमेरिका के कई राज्य सोशल मीडिया कंपनियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का मन बना रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार जॉर्जिया में जल्द ही एक कानून पेश भी किया जाएगा। दोस्तों ऐसे में कितने भाई बहन है जो इस खबर को सुन रहे हैं और वो चाहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के ट्विटर अकाउंट से बैन हट जाना चाहिए, दोस्तों कमेंट में ये बात जरूर लिखिएगा। जो नहीं चाहते वो भी जरूर बताइएगा, लेकिन कारण के साथ बताइएगा। दोस्तों एक और खबर की बात करें तो लादेन के खात्मे के 10 साल हुए पूरे। जो बाइडन ने कहा कि अमेरिका पर दोबारा नहीं होने देंगे आतंकी हमला। जी हाँ दोस्तों, 3 मई अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने पाकिस्तान में ओसामा बिन लादेन को मार गिराए जाने के 10 साल पूरे होने के मौके पर सोमवार को संकल्प लिया है कि अमेरिका देश में दोबारा आतंकवादी हमला होने की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ेगा। अमेरिका में 11 सितंबर 2001 को हुए हमले के बाद भूमिगत हुए अलकायदा के नेता ओसामा बिन लादेन को अमेरिका के विशेष अभियान बलों ने 1 मई 2011 को पाकिस्तान के एबटाबाद शहर में एक हमले में मार गिराया था। ऐसे में दोस्तों आपकी क्या राय होगी बताइएगा। जरूर एक और खबर की बात करें तो पश्चिम बंगाल में थम नहीं रहा हिंसा। विपक्षी दलों पर हमले को लेकर गृह मंत्रालय ने ममता सरकार से मांगी है रिपोर्ट। बता दे पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद राजनीतिक हिंसाओं का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। दोस्तों चुनाव के नतीजे आने के दौरान ही आराम बाग में बीजेपी कार्यालय को अज्ञात बदमाशों ने आग के हवाले कर दिया। इस बीच प्रदेश में ऐसी हिंसाओं को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने संज्ञान लिया है। मंत्रालय ने प्रदेश में चुनाव के बाद विपक्षी दल के नेताओं को टारगेट कर की गई हिंसाओं की रिपोर्ट राज्य सरकार से मांगी है। गृह मंत्रालय ने कहा है कि पश्चिम बंगाल सरकार विपक्षी दलों के कार्यकर्ताओं पर हुए हमले की पूरी जानकारी दे। इससे पहले विदेश बंगाल में बीजेपी के नेता दिलीप घोष ने दावा किया है कि इलेक्शन के बाद 24 घंटे में बंगाल में 9 बीजेपी कार्यकर्ताओं की जान चली गई है। दोस्तों तो वहीं एक अन्य दावे में 6 बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी गई है। इन बीजेपी कार्यकर्ताओं के नाम भी सार्वजनिक कर दिए गए हैं। जी हाँ दोस्तों ऐसे में आप साफ देख पा रहे होंगे कि बंगाल में फिर से एक बार ममता की सरकार आ गई है दोस्तों, यानी गुंडा राज फिर से बंगाल में एक बार बनता हुआ नजर आ रहा है। और उन्होंने अपना छाप तब छोड़ दिया जब टीएमसी की सरकार बनते ही बीजेपी कार्यकर्ताओं पर आगजनी और जान से तक मार दिया गया है। दोस्तों ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि बड़ा ही गलत हुआ तो कमेंट सेक्शन में हमें बंगाल में ममता की सरकार बनने पर बड़ा ही दुख है ये बात जरूर लिख दीजिएगा। दोस्तों एक और खबर की बात करें तो नेपाल से बड़ी खबर, जहां 10 मई को विश्वास मत प्रस्ताव रखेंगे प्रधानमंत्री ओली। कोरोना की दूसरी लहर के बीच लिया है उन्होंने ये बड़ा फैसला। बता दें नेपाल में संकट का सामना कर रहे प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली 10 मई को संसद में विश्वास प्रस्ताव पेश करेंगे। सत्ता में बने रहने के तहत केपी शर्मा ओली ये विश्वास प्रस्ताव रखेंगे। एक आधिकारिक बयान में रविवार को बताया गया है कि राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने सरकार के विश्वास मत हासिल करने के लिए प्रधानमंत्री ओली की अनुशंसा पर 10 मई को संसद का सत्र आहूत कर दिया है। जी हाँ दोस्तों एक और खबर की अगर बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कोरोना के लहर में छात्रों को दी है ये बड़ी जिम्मेदारी, जिसके बाद संकट मोचक बनेंगे ये लोग। हनुमान बता दें देश भर में वैश्विक संक्रामक महामारी कोरोना वायरस के कारण सामुदायिक स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा गई हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विद्यार्थियों को एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। दोस्तों कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विद्यार्थियों को अपना संकट मोचक हनुमान बनाया है। रविवार को एक उच्च स्तरीय बैठक के बाद प्रधानमंत्री ने MBBS पाठ्यक्रमों के अंतिम वर्ष में पढ़ रहे विद्यार्थियों को कोरोना महामारी के खिलाफ जारी जंग के मैदान में उतारने की अनुमति दे डाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रविवार को स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवा क्षेत्र के विशेषज्ञों के साथ एक बैठक की थी। इस बैठक में MBBS अंतिम वर्ष के छात्रों को अहम जिम्मेदारी देते हुए कोरोना योद्धा के तौर पर उनकी सेवाएं लेने का फैसला किया है। ऐसे में दोस्तों क्या आप मानते हैं कि मोदी जी ने जो ये फैसला लिया है वो बल्कि बहुत जरूरी था पहले से लेना? आप भी कमेंट सेक्शन में अपनी राय अवश्य दीजिएगा और मोदी जी के इस फैसले का हम समर्थन करते हैं ये बात जरूर लिखिएगा। दोस्तों अगली खबर की बात करें तो बड़ी खुशखबरी, मेडिकल स्टाफ और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को मिलेगी 25% अतिरिक्त मानदेय। जी हाँ दोस्तों, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ी बात कह डाली है। बता दें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ
गुजरात ने कहा है कि अस्पतालों में काम कर रहे चिकित्सकों, नर्सिंग स्टाफ को कोविड सेवा के दिवसों के लिए वर्तमान वेतन मानदेय का 25% अतिरिक्त देय होगा। इसी तरह कोविड से संबंधित कार्यों में संलग्न सभी स्वास्थ्य कर्मियों, चिकित्सकों, पैरामेडिकल स्टाफ, हाउसकीपिंग स्टाफ, स्वच्छता कर्मी, आशा व आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं आदि को प्रोत्साहन स्वरूप अतिरिक्त मानदेय प्रदान करेगी। अगर आप भी मानते हैं कि योगी जी ने भी बढ़िया फैसला लिया है तो कमेंट में ये बात जरूर लिखिएगा। दोस्तों अगली खबर और अंतिम खबर की बात करें तो नाइट्रोजन प्लांट से ऑक्सीजन बनाएगी सरकार, जिसको लेकर तैयार किया गया है बड़ा प्लान। जी हाँ दोस्तों, साथ ही राहत की बड़ी खबर, जहां महाराष्ट्र में 24 घंटे में 50,000 से भी कम आए हुए हैं केस, 567 लोगों ने तोड़ा दम। जी हाँ दोस्तों, अब केस थोड़े कम होते हुए नजर आ रहे हैं महाराष्ट्र हो या दिल्ली। ऐसे में दोस्तों आपकी क्या राय होगी, अपनी राय अवश्य दीजिएगा। और ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबरें कैसी लगी दोस्तों, आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी तो इस वीडियो का भी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आपसे अगली बड़ी